अच्छा जी, इसके बाद हमारा एक फीचर है, अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसमें हम स्टेक आउट करेंगे। कोई भी कोऑर्डिनेट आपको लेआउट करना है, कोऑर्डिनेट कुछ भी, तो हम अभी इसमें फंक्शन ढूंढेंगे, फंक्शन बात करेंगे कि कैसे स्टेक आउट करते हैं, मतलब कोई भी लेआउट करना है, स्टेक आउट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए हम इसका मेन्यू मोड में जाएंगे, मेन्यू है इधर, मेन्यू में जाके ये दो नंबर पे स्टेक आउट, सेटिंग आउट, स्टेक आउट, सेटिंग आउट, लेआउट, तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। इसमें जाएंगे, अगर तो हम इसी में आके पूरा काम कर रहे हैं, आपके पास कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट के ऊपर मशीन की है, और उसके बाद आपके बैक साइड सेटअप है, एक नंबर पे आपके पास इसका सेटअप है जिधर मशीन लगा है, दो नंबर पे हमारा बैक साइड सेटअप है। अगर तो आप दूसरे फीचर हो, फॉर एग्जांपल रिसेप्शन को यूज़ करके इधर आते हैं, तो तब भी ये मशीन काम कर रहा होगा। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट डालने इधर, की इन कोऑर्डिनेट हमने किधर आना है, ये मेन्यू मोड है, मेन्यू मोड में सेटिंग आउट मोड है, सेटिंग आउट में आएंगे, सेटिंग आउट में पांच नंबर पे है की इन कोऑर्डिनेट। हम इसको एक तरीका, हम इसको ऐसे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सके जो भी फीचर हमको चाहिए। दूसरा हमारे पास ये बटन हैं, कीज़ हैं, ये की से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे एक और इसका तरीका है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक नंबर पे फीचर है ऑक्यूपाइड, दो नंबर पे बैक साइड सेटअप, दूसरे तीसरे नंबर पे स्टेक आउट डेटा, ये वो पूरा सिस्टम है। अभी हमको चाहिए पांच नंबर की इन कोऑर्डिनेट, की इन कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे पांच नंबर लिखा हुआ, हम पांच प्रेस करेंगे, हम फाइव प्रेस करेंगे तो पांच नंबर फीचर ओपन हो जाए। अभी हम इसमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट डालेंगे, जिस कोऑर्डिनेट को हमने लेआउट करना है वो कोऑर्डिनेट इधर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको लेआउट करना है, पॉइंट है हमारा 10,000 हमारा नॉर्थिंग ईस्टिंग है, हम इसको लेआउट करना है, हम इसको, ये हमने कोऑर्डिनेट नॉर्थिंग ईस्टिंग डाल दिया, उसके बाद ओके करना, ओके किया, उसके बाद हमारे पास ये मशीन आ जाता, ये स्क्रीन आ जाता। इसमें हमको ये एंगल है ना, इसको 0-0 करना है, ये है मशीन का हॉरिजॉन्टल एंगल, बोलते हैं डेल्टा एंगल। फॉर एग्जांपल इसको रफ एंगल हम इसको ऐसा घुमा के करेंगे। अच्छा, ये मशीन हमारा लेटेस्ट है, ये मशीन है, ये रोबोटिक मशीन है। अगर तो ये रोबोटिक मशीन, इसके अंदर मोटर नहीं होएगा तो हम इसको वैसे ही कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घुमा के, बड़ा एंगल ऐसा घुमा के कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा जो हमको एक्यूरेसी करना है, थोड़ा सा एंगल घुमाना है तो हम इससे करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें फीचर है, मोटर फंक्शन है, मोटर फंक्शन है, तो हम इसको ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही घूम जाएगी मशीन। ये ज़रा एक दफ़ा फिर दिखा रहे करके आपको, दोबारा बताता हूँ, ये देखिए इसके अंदर, अभी ये देखिए इसमें हमारे पास एक बटन है हॉरिजॉन्टल टर्न। हम वैसे अगर मैनुअल हमको करना पड़े तो हम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के करेंगे, इस एंगल को ज़ीरो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको करना है, मोटर है हमारे पास, फीचर है, रोबोटिक है, हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली घूम जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो टर्निंग हो रहा है, अभी वो हो गया, ऊपर के एंगल अभी आप देखें तो आपको ज़ीरो हो गया, अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो, थोड़ा सा आप इधर से घुमा के कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मीजर करेंगे, तो हमको इतना डिस्टेंस में हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, इधर आ गया। इसका ये लेज़र भी है, ये भी दिखा रहा है, इसका लेज़र परमानेंट ऑन होता है इधर से, ये देखें, ये इसका फीचर है, ये बटन, तो ये इसके फीचर हैं। स्टेक आउट हो गया, स्टेक आउट हो गया, अभी